कभी डॉक्टर बनने की जितने मरीज आएंगे जिनसे में कुछ नहीं होगा। तीसरा जूता यार ये प्यारी है, नाइस, आई लाइक इट। पुराना पास्ता निकला इस तरह का, ये देख रहे हैं आप। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको एयरिंग्स बना के पहनूं, मेरे ड्रेस के साथ फुल मैच हो रहे हैं। मैंने सबको देना, बस आप ही को नहीं देना है। मुझे दिल भी नहीं कर रहा कसम से, मुझे ऐसा लग रहा है ये खा के पेट खराब हो जाएगा। तो शेफ को टेस्ट करवा लगी हूं, अगर इन्होंने पास कर दिया फिर पास। चलें जी, मास्टर शेफ नहीं है। Assalamualaikum everyone, welcome to Sistrology, this is me Kira Kumar, welcome to another vlog। हल्की आंच पे दिखाती हूँ, यहाँ पे भी अनबॉक्सिंग हुई है लेकिन सामान उठाना मेरी बहन भूल गई है। ये देखें भाई, ये अनबॉक्सिंग हुई है स्कंचीज की, कोई ग्लिटर की, कोई बैग्स की। अरे भाई इतनी गर्मी हो गई थी तो मुझे बाल बांधना ही मुनासिब लगा, मैंने अपने बाल लिए हैं। बाल इस गर्मी में आपसे फैशन नहीं होता, आप फैशन कर ही नहीं सकते, जरा सोचें जरा कभी फैशन करने का। हाय वैसे कर लेती करने वाली अम्मा आजकल फुल अपना वेट लॉस करने की तैयारियों में है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा कैसी तैयारियाँ कर रही हैं। ये देखें जी, ये मेरी अम्मा ने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी। हाँ जी, पतला हो गया आपने, क्या करना है? बीमारियों से बंदा बचा रहता है। ग्रीन टी पिया करे भाई, रोज पिया करे। पहले थोड़ी पतली थी, पता नहीं क्यों मोटी हो गई। क्यों मोटी हो गई है वो आपकी बेटी की? इकरा की तरह पतली थी। इकरा की तरह, मेरी जैसी मेरी माँ पतली। हाँ वाकई सही बात है, मैं आपको कभी अपनी अम्मा की फुल लड़कपन बचपन की जवानी की पिक्चर्स दिखाऊंगी जरूर किसी दिन, और फिर आप लोगों ने डिसाइड करना कि मेरी मामा मेरे जैसी लगती थी कि नहीं। ये देखें मेरी बहन की वो किताबें, बेचारी आज पेपर देने गई हुई अपनी बायोलॉजी का, लिख लिख के इस लड़की ने कोई अपनी तैयारी की है। बेचारी की राइटिंग मैं आपको दिखाई दूँ, अच्छी है हल्की आज। राबिया वी आर वेटिंग फॉर यू, इसका था आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और अभी तक घर वापस नहीं आई है, और मुझे लगता है उसके बाद इसका है फिजिक्स का पेपर, आगे उसकी तैयारी करेगी। सब लोग सोचें मुझे भी, मेरे तो उसमें फुल मार्क्स आते थे इस्लामियात में, क्योंकि आप वही बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में सबको पता होता है। उर्दू में मुझे कायदे आजम पे मज़मून बहुत मुश्किल लगता था, क्यों याद ही नहीं होता था उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी वफात। अब अगर मुझे कोई कहना कि मज़मून लिखे, सबसे इजी मज़मून बगैर पढ़े हुए जो मैं दे सकती हूँ, हाँ, वो है वक्स है। सो राबिया फैसल आ चुकी है पेपर देके, और अब हम जाएंगे राबिया को रिसीव करने। कैसा हुआ पेपर बायो का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कह रही हो कि अच्छा हुआ भी है ना, मेरे था ना कि गंदा हो, उतना ही अच्छा हो। क्या क्या क्वेश्चन आया? नहीं ये नहीं, अब मैं दोबारा नहीं बोलती, ये नहीं बताने, पापा भी इसको लेके कभी डॉक्टर बनने की जितने मरीज आएंगे जिनसे में कुछ नहीं होगा। नकली मरीज, नकली डॉक्टर, हाँ हाँ नकली डॉक्टर। राबिया ने इतना पढ़ा था, इतना सारी रात पढ़ती रही थी, तीन दिन से सांस भी नहीं ली। ये शर्मा क्यों रही है? मुझे लग रहा है इसका पेपर नहीं ठीक हुआ। नहीं बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा। तो जी राबिया का पेपर अभी हुआ नहीं, और इस लड़की को अपने पार्सल्स आ रहे हैं इसके तरफ। मुझे कितनी अच्छी, यू नो हील्स, हाँ वाओ दिखाओ कितनी प्यारी। ये भी है थी हमारे पास, मैंने उन्होंने मुझे है ना हमारे पास इस तरह का, मुझे ऑप्शन नहीं मिला सेलेक्ट करने का। और मेरी अम्मा का साइज भी नहीं मंगवाया तुमने, बदतमीज। तीसरा जूता यार ये प्यारी है, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक द कलर। आप कैसे फसाएंगी मम्मा? मम्मा खुली हो, नहीं मम्मा खुली हो जाएंगी, ये है दिखाओ। हाँ बेहतर है, अच्छी है। ये दो जूते मुझे ज्यादा अच्छे लगे हैं, ये दो। एक इसको मंगवाना चाहिए था, पसंद की है ये आपको, ऐसे ही जूता जल्दी पसंद नहीं आता, शुक्र है ये जूता आपको पसंद आ गया। दिखाओ आपको बड़ा खुला कर, हाँ जी क्या गुफ्तगू हो रही है? ये इसको मैंने कहा फिर आगे नंगे पाँव फिरती है, नंगे पाँव फिरने से पाँव बड़े हो जाते हैं। हाँ कितने बड़े? मैं मतलब हमारे पाँव बड़े क्यों? पाँव नंगे फिरने से बड़े बड़े पाँव, फिर जो जूते है ना वो 12 नंबर का बनवाना पड़ेगा, फिर जाएगा। अभी पहन के आता हूँ। आपको जूता पहनने की आदत? बचपन में तो कोई बच्चा भी नहीं पहनता। मैं जरा बचपन से डिसेंट हूँ। डिसेंट नहीं है पापा, वो तो मैं बचपन में छोटा था, 7 साल मेरी एज थी, 8 साल हो गया थी, बारिश में नहाने के लिए बाहर निकला, हाँ। तो वो आगे ना ऐसे जा रहा हूँ, बड़ा नहाता हुआ, हाँ। तो फिर नंगे पाँव, हाँ। नंगे पाँव
इतना बड़ा शीशा कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ उसमें मेरा पाँव आ गया। ओए होए होए तो आज तक मेरे माइंड में डर है ये जो है ना शीशा ना कहीं नीचे आ जाए। डर क्या और डर क्या के जीत है और डर क्या के जूती है फुल अच्छी होते हुए अपना इसका ये एक दिन आपको मैं इसकी पूरी अलमारी का टूर करवाऊंगी। बेचारी लगी हुई कुछ करने यार आप ये कैसे रखो निकाल निकाल नहीं इसको इसी तरह उसके अंदर रखो। बेटी की मानो ने देखो कैसे ये पीसेस जोड़े हैं अपने परफ्यूम्स किस तरह से जोड़े इसके बर्थडे हमारा रबे उठ गई थी और एक पैकेट इसको मिला है पता नहीं कहाँ से इसने निकाला है पुराना यहाँ से पुराना पास्ता निकला इस तरह का ये देख रहे हैं आप। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको इयररिंग्स बना के पहनूं मेरे ड्रेस के साथ फुल मैच हो रहे हैं ना यू गाइस कैन सी वाओ। ये पास्ता बनाना कि मैक्रोनीस मैं बताती हूं हमारे पास जो पास्ता बहुत हमारे पास कम मिकदार में था सीरीज के साथ हम ये मिलाएंगे और एक बहुत ही अच्छी डिश बनाऊंगी आज मैं आपको आज राबिया के साथ आप सीखेंगे पास्ता पास्ता मैक्रोनी मिक्स। फर्स्ट ये है कि आपने सबसे पहले इनको पानी के अंदर डाल के बॉईल करना ये हर किसी को पता है इतनी मैं कोई बोल रहा मैंने मम्मा कितनी हो यार वो इयररिंग डाल दी है तुमने इसके अंदर। हाँ केड़ा इयररिंग वो इसके अंदर एक इयररिंग था। चलो बस ये कहती ब्लॉग बना लो कि मैं मेरे लोगों को पता चल जाए कि पास्ता कैसे बनाते हैं लोग पूछते हैं मुझसे। फिर अब ऐसा पास्ता खाती है देखे दो किस्म के नारकलियां यार देखो जो जितनी चीज वो होगी ना क्या कहते हैं वैरायटी में नहीं वो क्या होती है अनोखी होती मजे की होती है। और मम्मा कैप्सिकम किधर है दो कैप्सिकम डले हमारे फ्रिज का टूर हो रहा है आज। चिकन जो है ना फ्रिज में वो कच्चा पड़ा वो मुझे नहीं बनाना आता मैं इतनी हूँ मुझे वो नहीं बनाना आता तो हम ये कर सकते हैं बिरयानी में से चिकन निकाल सकते हैं। क्या मतलब या अल्लाह वो जो बिरयानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाई है राबिया को कुछ सूझी कि हम चिकन उसमें से निकाल सकते हैं। यार नहीं मुझे क्योंकि ना एक काम नहीं आता मुझे चिकन को वो करना नहीं आता खिलाने वाली है बिरयानी के अंदर से जो बोटियां होती है इसने वो निकाल दी है और सिर्फ इतना सा चिकन नो यार आगे इतना कम है मान रहा ज़ैनब नो डोंट अब मुझे नहीं समझ आई तुम आगे करने क्या वाली हो। मैं बताती हूँ ये हमने इसको कट करके रखा सबसे पहले कटिंग कर लेनी है सारी मुश्किल काम पहले इजी काम बाद में करेंगे पहले इजी काम वो मजे का तो जैसे डालना और शेफ की राबिया तुमने पूरे जितना भी पास्ता वगैरह उसमें सिर्फ इतना सा चिकन हाँ इतना पूरे क्या इतना सा पास्ता यार एक्चुअली हमने भी खाना है जी कौन सॉरी जान निकालती हूँ सबर करो उसका बेचारी का कितना सा है बोटियाँ यार तुम्हारा वो पास्ता पक गया है यार उबल के बेचारा रानी ने ये सारे क्यूकम्बर्स और कैप्सिकम काट लिए और अब ये सॉस रेडी करने लगी है अल्लाह जाने इस सॉस के बाद। सॉस रेडी करने का तरीका है दो चीज के पैक्स हैं। हाँ जी ठीक है पहला ये है हमारे पास इसको ओके हम प्रॉपर ना सॉस रेडी करके फिर उसको इसके अंदर डाल के ना फिर ऐसे डायरेक्ट डालेंगे शेफ की तरह वो मेरा एक स्लोमो शॉट डलेगा। आए हाय 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 कितनी खुशी हो रही है इस औरत को तो अपनी तरफ से शेफ बन गई है चीज हमारे पास। इसके नाम ऐसा मिल्क ऐड करेंगे। ओए होए 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 राबिया ने चीज में डाला मिल्क थोड़ा सा वो भी बस 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 गंद घुलता हुआ दिखाती हूँ यार ये बाद में अच्छा दिखेगा अभी नहीं अच्छा दिख रहा है जैसा बना रही हुई दिखेगा। अच्छा बहुत से लोग मुझे पूछे कि राबिया पतली क्यों हुई है भाई उसने ऐसा क्या किया तो मैंने यही सबको बताया कि राबिया के पेपर सर पे आ गए तो राबिया ने पढ़ना शुरू कर दिया था और खाना पीना छोड़ दिया। क्यों पतली मैं पूरा साल एक लफ्ज जिसे कहते ना जब पेपर का दिन था मुझे एक लफ्ज जिसे कहते ना एक कॉन्सेप्ट वो भी नहीं पता था कुछ भी नहीं पढ़ा था तो आखिरी दिन पूरी बुक पढ़ दी तो फिर बंदा पतला नहीं होता तो और क्या होता है। राबिया ने इसके अंदर वो बिरयानी वाली बोटियां डाल दी ये चीज दूध मलाई ये मिक्स करना बाकी है पता नहीं क्या खाएंगे क्या ये मैक्रोनी है ठीक है इसके हमें डाले ही है खीरे शीरे अच्छा शॉर्ट बनाऊं ये लड़की बेटा बेटी का बन रहा है शॉर्ट ये डाल दिए और अब साथ हमने ये डाला ओके चेक इट आउट ये देखा इसकी मतलब चार बोटियां भी नहीं है इसके अंदर राबिया क्या चाहती हो तुम जो अच्छी चीज होती है हमेशा थोड़ी होती है मैंने सबको देना बस आपकी को नहीं देना मुझे दिल भी नहीं कर रहा कसम से मुझे ऐसा लग रहा है कि खा के पेट खराब हो जाएगा ये क्या बदतमीजी तुम जो मेरे खाने को जो बुरा कहता है उससे मैं ताल्लुक खत्म अगर ज्यादा ही लोगों को पसंद है तो मैं उनके लिए भी बना सकती हूँ। ओह माय गॉड आप लोगों में से किस किसने खाना है इसके हाथ का बना हुआ अजीब और गरीब किस्म का पास्ता जिसको उबाल के उबली हुई चीजें कच्चा फ्रूट कच्ची सब्जी अंदर डाल के उसके बाद चीज में डाल के इट्स नॉट अजीब बिरयानी की बोटियां डाल के वो आपको क्या डिश तैयार करके दे रही है रेस्ट इन पीस। ये बना है मेरा बहन ने कोई क्रीम कारनामा दिया इसका नाम है आज से
इस डिश का नाम पास्ता नहीं, इस डिश का नाम क्या होना चाहिए आप लोग खुद खाएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जब मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि ये है कैसा, इसने बनाया क्या। इसमें खट्टा खट्टा क्या डाला अपना प्यार, इतना खट्टा बहुत अच्छा लग रहा, मजे का लग रहा। प्लेट लेके आओ मैं भी खाऊंगी। मास्टर शेफ बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, तुम्हारी बिरयानी की बोटियां इसके अंदर डली हुई हैं। अरे अल्लाह खुशी ने कैसे मुंह से पिक फॉलो खाने पे जोर है खाने पे मतलब मजे का वो खा गई। जब तुम व्लॉग देखोगे और तुम्हें पता चलेगा कि इसने क्या क्या चीजें घोल के बनाया तो तुम खुद तुम कहोगे कि मैं उल्टा। वो देखो बाहर रेस्टोरेंट्स में भी जाओ तो ऐसे पता नहीं क्या क्या डाला था हमने, तो बस ये भी सही है। हमारे घर में मेरे अलावा कोई शेफ है तो वो सेकंड शेफ बुला। बस कर दो यार, अगर ये शेफ ये बस कर दो, बस 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 सर्व करते हैं प्लेट में सबको। हाँ जी, अब ये सर्व वो तो पूरा डोगा खाली कर जाएगी तुम्हारा, तुम्हारी सर्विंग रह जाएगी। चलो बस कर दो। एक बात बताऊँ, ये जो रेसिपी है ना, ये जो भी लोग डाइट करते हैं उनके लिए बेस्ट है। जिन जिन लोगों ने पतले होना है काइंडली वो राबिया की इस रेसिपी को। अम्मा फिर अकेली थी क्योंकि हमारे घर में सिर्फ अम्मा डाइटिंग कर रही हैं। प्लेट्स को यूज करते हैं। ओके डन। अब मैं पता है बात बताऊँ, खुद बना के बाद में खुद खाने का दिल नहीं। ये सबके साथ ही होता है। इसको फॉलो ना कीजिएगा घर पे, क्योंकि इसको मैंने बड़े बहुत तरीके से बनाया, आप अपने अच्छे तरीके से बना लेना, कोई बात। तो मेरे से तो अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। इकरा कवल को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जरा मेरी घंटे बाद मुंह में छोटी सी बोटी आई है। ये था मेरी मम्मी का रिव्यू, बेचारी खा रही है और कह रही है घंटे बाद बोटी आ रही है, उसमें है ही नहीं, ढूंढनी पड़ी क्योंकि बिरयानी में से जो निकाली हुई है।